शिक्षा नगरी कोटा की कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों की घर वापसी का क्रम लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब असम और हरियाणा के बच्चों की घर वापसी की गई है। असम के बच्चों के लिए कोटा से ही 18 स्लीपर कोच बस लगाई गई है, तो वही हरियाणा से करीब 31 बसें पहुंची, जिनमें रेवाड़ी और नारनौल की बसें शामिल हैं। हरियाणा की बसों में 858 बच्चों को चिन्हित किया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान कोटा में फंसे कोचिंग स्टूडेंट्स में अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के साथ दो केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, दादर नागर हवेली और सिलवासा के बच्चों की घर वापसी हो चुकी है। तो वही कोटा से अब तक करीब 425 बसों में 16,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स घरों की ओर लौट चुके हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहाँ पे सब बच्चे जा रहे थे कंटिन्यूसली, और थोड़े मैथ की भी प्रॉब्लम आ रही थी। और मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया जाने के लिए, और हरियाणा की सरकार भी बहुत अच्छी रही कि हमको उन्होंने सपोर्ट किया जाने के लिए और बस प्रोवाइड किया हम लोगों के लिए। मैं अंजलि कोटा में आई थी कोचिंग करने के लिए मेडिकल की, और यहाँ पे लॉकडाउन में बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है मुझे, पर अब हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारी सुनी है। आई एम सो हैप्पी। मैं यहाँ कोटा में पढ़ाई करने आया था। मैं हरियाणा भिवाड़ी, हरियाणा धारवाड़ा से हूँ। और जब ये लॉकडाउन जब से अनाउंस हुआ, मतलब काफ़ी दिक्कतें आ रही थी घर जाने के लिए। हम काफ़ी कोशिशें कर रहे थे घर जाने के लिए, मतलब रोज़ रोज़ चेक कर रहे थे कि कब हमारी सरकार हमें परमिशन जाने की, कब परमिशन, कब बस